ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? सदैव, सदैव मतलब हमेशा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मतलब होता है उल्टा। आप हमेशा का उल्टा लिखोगे, इसका उल्टा क्या होगा? नेवर। याद रखेंगे सभी बच्चे, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। बैड, बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। तो इसका अपोजिट मीन्स कि उल्टा क्या होगा? गुड। और गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। याद रखेंगे सभी बच्चे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। इसका अपोजिट क्या होगा? अगली, अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत या कुरूप। बाय, बाय मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीदने का उल्टा क्या होगा? सेल, सेल मतलब बेचना। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर, कायर मतलब बेवकूफ। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? पिछला हुआ। तो इसका अपोजिट क्या होगा? फॉरवर्ड मीन्स कि आगे। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्रूएल का मतलब क्या होता है? निर्दयी। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। क्राई का मतलब क्या होगा? रोना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? मुस्कुराना मीन्स की स्माइल। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ। इसका अपोजिट क्या होगा? गंदा, जैसे हम इंग्लिश में डर्टी कहेंगे। डल का मतलब क्या होता है? नीरस। इसका उल्टा क्या होगा? इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। इसका अपोजिट क्या होगा? मॉडर्न, जिसका मतलब आधुनिक होता है। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। इसका अपोजिट क्या होगा? न्यू। न्यू मतलब क्या होता है? नया। अराइवल मतलब क्या होता है? आगमन। आगमन मतलब बच्चों आना। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा? डिप्रेचर। डिप्रेचर मतलब क्या होता है? जाना। एंग्री, एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा। इसका अपोजिट क्या होगा? प्लीज्ड। प्लीज्ड का मीनिंग क्या होता है? खुश हुआ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, अस्लीप का मतलब क्या होता है? सोया हुआ। इसका अपोजिट क्या होगा? जागा हुआ, जिसे हम अवेक बोलेंगे। बिग मतलब क्या है? बड़ा। बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल, जिसे हम क्या कहेंगे? छोटा। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। आफ्टर का मतलब क्या होगा? बाद। बिटर का मतलब क्या होगा? कड़वा। इसका अपोजिट क्या होगा? मीठा, जिसे हम स्वीट कहेंगे। कूल का मतलब क्या होगा? ठंडा। इसका अपोजिट क्या होगा? हॉट, जिसे हम गर्म कहेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्लीवर का मतलब क्या होता है? चतुर। इसका अपोजिट क्या होगा? स्टूपिड। स्टूपिड मतलब क्या होता है? बुद्धू। डे, डे मतलब दिन। इसका अपोजिट क्या होगा? नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है? रात। डेथ, डेथ का मतलब क्या होगा? मृत्यु। इसका अपोजिट क्या होगा? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। अर्ली, अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। इसका अपोजिट क्या होगा? लेट। लेट का मतलब क्या होता है? देर से। याद रखेंगे सभी बच्चे, एम्प्टी, एम्प्टी का मीनिंग क्या होगा? खाली। इसका अपोजिट क्या होगा? फुल। फुल का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। फूलिश, फूलिश का मतलब क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ। इसका अपोजिट क्या होगा? वाइस। वाइस का मीनिंग क्या होता है? बुद्धिमान। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, डल का मतलब क्या होता है? फीका या मंदबुद्धि। इसका अपोजिट क्या होगा? ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, इजी, इजी का मतलब क्या होता है? आसान। इसका अपोजिट क्या होगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मीनिंग यहाँ दे रखा है पहला। इसका अपोजिट क्या होगा? लास्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है? आखिरी। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब क्या है? भूलना। इसका अपोजिट क्या होगा? रिमेम्बर। रिमेम्बर का मतलब क्या होता है? याद रखना। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? मित्र। इसका अपोजिट क्या होगा? एनिमी। एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे,
गिव का मतलब क्या होता है? देना। इसका अपोजिट क्या होगा? टेक। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुख। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपना। इसका अपोजिट क्या होगा? सीक। सीक मतलब खोजना। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग या जन्नत। इसका अपोजिट क्या होगा? हेल। हेल का मतलब क्या होता है? नरक। सीनियर, सीनियर का मतलब क्या होता है? वरिष्ठ। इसका अपोजिट क्या होगा? जूनियर। याद रखेंगे सभी बच्चे, इसका मतलब क्या है? छोटा। लॉन्ग का मतलब क्या है? लंबा। इसका अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या है? छोटा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेल, मेल का मतलब क्या है? पुरुष। इसका अपोजिट क्या होगा? फीमेल। फीमेल का मतलब क्या है? महिला। फेट, फेट मतलब मोटा। फेट का अपोजिट क्या होगा? थिन। थिन मतलब क्या होता है? थिन का मीनिंग दे रखा है यहाँ, पतला। फेल, फेल का मीनिंग क्या होगा? फेल। फेल का अपोजिट क्या होगा? पास। पास मतलब क्या होता है? पास। गेन, गेन मतलब क्या होता है? लाभ। गेन का अपोजिट क्या होगा? लॉस, जिसे हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। हीरो, हीरो, हीरो का अपोजिट क्या होगा? विलन, विलेन। लव, लव का मतलब क्या होता है? प्यार। लव का अपोजिट क्या होगा? हेट। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत। लाइट, लाइट मतलब रोशनी। लाइट का अपोजिट क्या होगा? डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। लर्न, लर्न मतलब सीखना। लर्न का अपोजिट क्या होगा? टीच। टीच मतलब क्या होता है? सिखाना। मास्टर, मास्टर मतलब मालिक। मास्टर का अपोजिट क्या होगा? सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? नौकर। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। विक्टरी का मतलब विजय। डिफेट का मतलब पराजय। पराजय मतलब हारना। वाइल मतलब जंगली। टेम मतलब पालतू। यस, हाँ। यस का अपोजिट क्या होगा? न्यू। नो मतलब नहीं। यूजफुल, यूजफुल का मीनिंग क्या है? लाभदायक। अब यूजफुल का अपोजिट क्या होगा? यूजलेस। यूजलेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बेकार। टायर्ड, टायर्ड का मीनिंग क्या होता है? थका हुआ। टायर्ड का अपोजिट क्या होगा? फ्रेश या रिलैक्स, जिसका मतलब होता है जिसका मीनिंग यहाँ दे रखा है ताजा तरीन। फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। फ्री का अपोजिट क्या होगा? बोंड। बोंड का मतलब क्या होता है? परतंत्र। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैनी, मैनी मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत से। मैनी का अपोजिट क्या होगा? सम अ फ्यू, इसका मतलब क्या होता है? कुछ ही। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है? नकारात्मक। नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव, जिसका मतलब क्या है? सकारात्मक। याद रखेंगे सभी बच्चे। मोर, मोर का मीनिंग क्या है? और अधिक। मोर का अपोजिट क्या होगा? लेस। लेस का मीनिंग क्या होता है? कम। नियर, नियर मतलब क्या होता है? पास। नियर का अपोजिट क्या होगा? फार। फार मतलब बच्चों दूर। यंग, यंग का मीनिंग क्या है बच्चों? युवा। यंग का अपोजिट क्या होगा? ओल्ड। ओल्ड मतलब बूढ़ा। पुअर, इसका मीनिंग है गरीब। इसका अपोजिट क्या होगा? रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। पनिश, सजा देना। अब पनिश का अपोजिट क्या होगा? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनाम। पोलाइट, विनम्र, इसका अपोजिट क्या होगा? रूड। रूड का मतलब क्या होता है? रूखा। राइट, सही। राइट का अपोजिट क्या होगा? रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत। क्वाइट का मतलब क्या है? चुपचाप। इसका अपोजिट क्या होगा? नॉइसी। नॉइसी का मतलब क्या होता है? आवाज। टॉप, टॉप का मीनिंग क्या है? सबसे ऊपर। टॉप का अपोजिट क्या होगा? बॉटम। बॉटम मतलब सबसे नीचे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। विन, विन मतलब जीतना। विन का अपोजिट क्या होगा? लॉस। लॉस मतलब हारना। अप, अप मीन्स ऊपर। अप का अपोजिट क्या होगा? डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। परमानेंट का मतलब स्थायी। परमानेंट का अपोजिट क्या होगा?
टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब क्या है? अस्थाई। ट्रू, ट्रू मतलब सच। ट्रू का अपोजिट क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? झूठा। स्ट्रिक मतलब कठोर। स्ट्रिक का अपोजिट क्या होगा? लीनेट। लीनेट मतलब नर्म। पीस का मतलब शांति। पीस का अपोजिट क्या होगा? वार, लड़ाई। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग बलशाली। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? वीक। वीक मीन्स कमजोर। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। सेफ्टी का अपोजिट क्या होगा? डेंजर, डेंजर मतलब खतरा। सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन। सिंगुलर का अपोजिट क्या होगा? प्लूरल, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। रियल का, असली। रियल का अपोजिट क्या होगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब नकली। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। चेयरफुल मतलब खुश मिजाज। चेयरफुल का अपोजिट क्या होगा? चेयरलेस, गर्म मिजाज। हैवी का मतलब क्या होगा? भारी। हैवी का अपोजिट क्या होता है? लाइट। लाइट का मतलब क्या है?